नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे हमारे जीवन से जुड़े हुए कई नियमों में आज यानी कि 1 अक्टूबर से बदलाव हो गया है। तो आज हम आगे इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, आखिर कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिसमें बदलाव हो गया है। आज यानी कि 1 अक्टूबर से महीने की शुरुआत के साथ ही हमारे जीवन से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो रहा है। आज के होने वाले इस बदलाव में आपकी जेब पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं वो कौन कौन से नियम है जिससे में बदलाव हो रहा है। तो सबसे पहले जिसमें बदलाव हो रहा है, पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव हो रहा है। तो इसमें है आज से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़े नियमों में बदलाव हो रहा है। अब देश में अभी बुजुर्ग पेंशनर्स को जिनकी उम्र 80 साल या फिर उससे ज़्यादा है, वो देश के सभी हेड ऑफिस यानी कि हेड पोस्ट ऑफिस में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। इन बुजुर्गों के हेड पोस्ट ऑफिस में जीवन प्रमाण पत्र सेंटर में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने होंगे। साथ ही साथ इनके लिए 30 नवंबर तक का जो है समय निर्धारित किया गया है। डाक विभाग को निर्देश दिया गया है कि जीवन प्रमाण पत्र सेंटर की आईडी अगर बंद है तो उसे समय पर ही एक्टिवेट कर दें। दूसरा जो नियम बदलाव हो रहा है वह चेकबुक के नियमों में बदलाव हो रहा है। आज यानी कि 1 अक्टूबर से होने वाले बदलाव में 3 बैंकों यानी कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और इलाहाबाद बैंक की चेकबुक और उसकी MICR कोड खुद इनवैलिड हो जाएगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही इन बैंकों का मर्जर हुआ है, जिसके बाद से इसके अकाउंट होल्डर और अकाउंट नंबरों में बदलाव हुआ है। तीसरा जो बदलाव होगा वह डेबिट और क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव होगा। तो आज से ऑटो डेबिट तब तक के लिए नहीं हो पाएगा जब तक कि ग्राहक इस बात की मंजूरी नहीं दे देंगे। नए नियमों के अनुसार बैंक के किसी भी ऑटो डेबिट पेमेंट के लिए ग्राहकों को 24 घंटे पहले एक नोटिफिकेशन भेजना होगा। कस्टमर के खाते में पैसा तभी डेबिट होगा जब तक कि उसे कन्फर्म करेगा, यानी कि यह नोटिफिकेशन ग्राहकों को SMS या फिर ईमेल से भी भेजा जा सकता है। आज से सिलेंडरों के दामों में होगा बढ़ोतरी। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 19 किलोग्राम के कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में जो है 43.5 रुपये प्रति सिलेंडर के हिसाब से जो है उसमें बढ़ोतरी की है। सिलेंडर की कीमतों बढ़ने के बाद से दिल्ली में जो है 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत जो है 1693 रुपये से बढ़कर 1736.50 रुपये प्रति सिलेंडर हो गए हैं। तेल कंपनियों ने आम आदमी के उपयोग वाले 14.2 किलोग्राम वाले सब्सिडी की रसोई गैस सिलेंडरों की कीमतों में नहीं वृद्धि की है। इसके दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट में होने वाले बदलाव को लेकर। तो आज से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में भी बदलाव होने वाला है। यह बदलाव अंडर मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड हाउस में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों पर लागू होगा। MSE कंपनियों के जूनियर कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10% हिस्सा जो है म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में जो है निवेश करना होगा। फूड बिल पर FSSAI ने रजिस्टर्ड नंबर लिखना जो है अब अनिवार्य कर दिया गया है। आज से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी खाद्य पदार्थों से जुड़े दुकानदारों को निर्देश दिया है कि खाद्य पदार्थों से जुड़ी सभी दुकानदारों को अब जो है FSSAI का रजिस्टर्ड नंबर जो है वो लिखना जरूरी होगा। इसके अलावा दुकान को लेकर रेस्टोरेंट में भी डिस्प्ले करना होगा और बताना होगा वह किसी भी खाद्य पदार्थ का उपयोग करता हो, यानी कि अब जो है रेस्टोरेंट में जो है FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है लिखना होगा। साथ ही साथ खाद्य पदार्थ यानी कि जो प्रोडक्ट वो बेचेंगे उस पर भी जो है उसका नंबर देना होगा। अब घर बैठे बनेगा लाइफ सर्टिफिकेट। सरकार की तरफ से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि DLC बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जो कि 1 अक्टूबर 2021 से लागू हो रही है। इसकी मदद के लिए लोगों को घर बैठे ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि DLC बनवाया जा सकता है। इसके लिए जो आधिकारिक वेबसाइट जो जारी की गई हुआ है jeevanpraman.gov.in/app यानी कि jeevanpraman.gov.in/app पर जाकर भी आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं। अब डीमैट अकाउंट की KYC जरूरी। मार्केट रेगुलेटर सेबी यानी कि सेबी ने नया ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इसके अनुसार अब ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट पर KYC को अनिवार्य किया गया है। अब से अगर KYC नहीं होती है तो डीमैट अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इससे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी का शेयर खरीद भी लेता है तो ये शेयर अकाउंट तक ट्रांसफ़र नहीं हो सकेंगे। KYC पूरा होने के बाद ही, इसे वेरीफाई होने के बाद ही यह पूरा प्रक्रिया होगा। तो ये थे 1 अक्टूबर से होने वाले बदलाव जिसका कि असर हमारी जेब पर सीधे तौर पर पड़ने वाला है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।